नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा नवंबर, 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक आपका वीकली फोरकास्ट। बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र, बेस है आपका मून साइन। लेकिन इस पूरे वीकली फोरकास्ट साप्ताहिक भविष्य को आप ले सकते हैं अपने मून साइन, अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, और आप इसको ले सकते हैं अपनी लग्न राशि के मुताबिक। वीक कमेंसिंग है 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर सन 2020। साप्ताहिक भविष्य आप सबके लिए। बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। चंद्रमा के गोचर 6 भाव में 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक। चंद्रमा के गोचर 6 भाव में, जब चंद्रमा गोचर के दौरान 6 भाव में चलेगा, धन संपदा देगा, आपकी कोई भी इच्छा, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। आप अपनी, आपकी जो कोई भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब 6 भाव में होगा, नाम देगा, तरक्की देगा। जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, वो आपको रेगोनाइज करेंगे। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, दुश्मन दोस्त बनेंगे। और ये टाइम पीरियड प्यार मोहब्बत इश्क की बातें भी चल सकती है। जब चंद्रमा 6 भाव में गोचर के दौरान होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सुख सुविधा मिलेगी, बीमारियों से आप मुक्त होंगे। ये टाइम पीरियड खुशहाली करेगा, मूड आपका खुश होगा और आपको अंदर बाहर से हार्मोनी मिलेगी, खुशी मिलेगी। सजीतरी चंद्रमा का गोचर 7 भाव में 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 7 भाव में, चंद्रमा का ट्रांजिट जब 7th हाउस में होगा, चंद्रमा गोचर 7 भाव में होगा, 7th हाउस में होगा। ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर 7th हाउस में होगा, ये टाइम पीरियड बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, पैसे के हालात पहले से बहुत अच्छे होंगे, धन संपदा मिलेगी, मरे हुए पैसे आपके जिंदा होंगे। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डील बन सकती है। चंद्रमा का गोचर 7 भाव में होगा, नाम पैदा होगा, तरक्की होगी, सुख सुविधा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। शत्रुओं का दमन होगा, चंद्रमा गोचर 7 भाव में होगा, नए नए दोस्त मित्र मिलेंगे, नए नए प्यार मोहब्बत के चाहने वाले लोग आपको मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगी, तंदुरुस्तियाँ होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। फैमिली लाइफ में खुशी बहुत होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे और पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ओवरऑल बहुत खुशहाली का टाइम है, तरक्की होगी, नाम होगा। सजिटेरियस के लिए धन राशि के लिए चंद्रमा गोचर 8 भाव में 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। चंद्रमा गोचर 8 भाव में, चंद्रमा गोचर जब 8 भाव में होगा, ये टाइम पीरियड कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। चंद्रमा गोचर जब 8 भाव में होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रबल्स आपको मिलेंगी। चंद्रमा गोचर जब 8 भाव में होगा, हर काम में रुकावट होगी, वो काम नहीं भी बनेगा। चंद्रमा गोचर जब 8 भाव में 8th हाउस में होगा, पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे। चंद्रमा गोचर जब 8 भाव में होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, कोई डील आपकी नहीं भी बनेगी, मुश्किलें बहुत होंगी, तकलीफ का समय होगा। चंद्रमा गोचर जब 8 भाव में होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है जब भी किसी के साथ आप कोऑर्डिनेशन करेंगे, काम बनेगा नहीं, घर में कामकाज पे लोगों के साथ झगड़े होंगे और कई बार फसाद पैदा हो सकता है, गलतफहमियाँ बन सकती हैं, हर बात पे लोगों के साथ बहस बहुत होगी। चंद्रमा गोचर जब 8 भाव में होगा, फिजूल बातों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं। इस समय आप अपनी ज़ुबान से, अपने मैनरिज्म से, अपनी हरकतों की वजह से लोगों को दुश्मन बना सकते हैं, ऐसा ना करें। इस समय कोई बात ऐसी, कोई छोटी सी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। चंद्रमा गोचर जब 8 भाव में होगा, और ये टाइम पीरियड सांस की तकलीफ आपको हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आप जोड़ों का बहुत ध्यान रखें, दिमागी तौर पे नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, फियर पैदा ना करें, अपने आप को डराए नहीं। चंद्रमा का जो गोचर 8 भाव में, नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, इस समय बच के रहें। इस आने वाले वीक में धनराशि के दोस्तों, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु के तो पे आपको काम करना होगा, पैसे का नुकसान नहीं होगा, स्टेटस प्रेस्टीज का लॉस नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगी, आमदन के रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन इन पर काम करना होगा। अगर आप चाहें उपाय पद्धति, प्रिकॉशन,
मंत्र साधना की मदद आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लेनी होगी। अगर आप चाहें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, prakashastrology.com की वेबसाइट पर जाएं और वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें। आपका इस वीकली हॉरोस्कोप को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में हालात कैसे होंगे, सिचुएशंस कैसी होंगी? अगर आप किसी खास मीटिंग पे जाना चाहते हैं, मूड कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, लोगों के एटीट्यूड आपके प्रति कैसे होंगे, आपकी सोच कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आप लेके अपने डिसीजन, जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं इस हफ्ते, वो अच्छे बना पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए, जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए, जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं उनसे उबरने के लिए, चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो? अगर आपका इन सवालों का जवाब आपका हाँ के अंदर है, तो आप किस इंतज़ार में इस तुरंत आप अपना वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लीजिए। वीडियो में भी है, रिटर्न में भी है, जिसमें पूरी गाइडेंस आपके लिए दी गई है। हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com को विजिट करें और वीडियो और रिटर्न रिपोर्ट हासिल करें। मैं चाहता हूं कि आप सर्वसंपन्न हो, खुशहाल हो, तंदुरुस्त हो और हारमोनियस जिंदगी में जी रहे हों।